नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रायसेन में प्राथमिक शालाएं आज से खोली गईं। कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद एक बार कक्षा 1 से 5वीं तक की शालाओं को भी खोला गया है, लेकिन सभी स्कूल संचालकों को कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और हाथों को बार बार सैनिटाइज करने का नियम का पालन कराना होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद एक बार कक्षा 1 से 5 तक की शालाएं शुरू करने के आदेश जारी किए हैं। इसके बाद आज 20 सितंबर से कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं शुरू की गई हैं। वहीं रायसेन के संजय नगर की बात की जाए तो मानो ऐसा लगा कि ये कोई सरकारी स्कूल नहीं बल्कि कोई प्राइवेट स्कूल है। यहाँ पर बच्चों को प्रवेश के लिए तोरण द्वार लगाए गए, बैलून लटकाए गए और रोली से तिलक लगाकर बच्चों का स्वागत किया गया। वहीं बच्चों को मास्क भी दिए गए तो हाथों को सैनिटाइज भी कराया गया। प्रधानाध्यापक गोपाल सिंह पवार ने बताया। रायसेन संवाददाता अली हसीन की रिपोर्ट। कोविड गाइड 19 के पालन करते हुए मध्य प्रदेश शासन ने जो निर्देश जारी किए गए हैं उनका पालन कराने के लिए समस्त प्रधानाध्यापकों की परसों एक JSK पर बैठक रखी गई थी। उसमें बिंदुवार सभी को समझाइश दी गई है और पालकों से निरंतर संपर्क किया जा रहा है। हमारे शिक्षकों द्वारा वो पालकों को ये समझाया जा रहा है कि आपके विद्यालय में सारे बच्चे पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे, उनको मास्क लगाया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है, गोले लगाकर दूरी का ध्यान रखा जा रहा है और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जो भारत सरकार की योजना है उसके अनुसार हम कक्षा 3 और 5 के बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए उनको अच्छे से अच्छी गुणवत्ता देने का 100% प्रयास हमारे शिक्षक और मेरे द्वारा किया। शासन के निर्देश अनुसार 50% बच्चों को बुलाया गया है। अपनी शाला में 126 बच्चे दर्ज हैं जिसमें से 50% को बुलाया गया है। किस प्रकार की व्यवस्थाएं स्कूल में की गई हैं बच्चों की सुरक्षा को लेकर? बच्चों की सुरक्षा को लेकर मास्क की व्यवस्था की है प्रबंधन, स्कूल प्रबंधन द्वारा सैनिटाइज कराया गया है उनके लिए और अपन ने सैनिटाइजर की व्यवस्था भी करके रखी है। क्या